होली का त्योहार जो है, मन होता है बच्चों का कि अभी भी होली मनानी है, तो आज होली का स्पेशल आज सत्संग इन्होंने रखा कि रंग हो तेरा रंग हो गुरुजी तेरे संग हो। तो रंगों का त्योहार होली है और कहते हैं कि सिमरन नाम जपना, जो भी हम जाप करते हैं, जो भी हम गुरुजी के साथ जब बैठते हैं, तो सबसे पहले हम अपने मन की मैल को साफ करते हैं। होली के रंग तो हमें जब नहाते हैं, पानी डालते हैं, रंग लगाते हैं, तो वो रंग तो हम रगड़ रगड़ के उतार देते हैं, पर अंदर की मैल नहीं उतार पाते ना, वो जमी रह जाती है। तो सत्संग में आने का यही मतलब होता है कि सत्संग में मतलब संगत के साथ बैठ के सत्संग को सुनना, हरि नाम प्रभु का नाम जपना सुनना। सारी हम दुनियादारी से कितने अच्छा लग रहा था, सब कट गए थे एकदम से, होश नहीं था किसी को। कि देख रही थी आज मैं कि इतनी प्यार से संगत जुड़ी हुई थी कि किसी को शायद कोई फिक्र ही नहीं थी कि मुझे कहीं घर भी जाना है। यही भाव गुरुजी को चाहिए होता है और आज गुरुजी ने बहुत सारी चीजों को ठीक किया, संगत को समझा दिया कि सत्संग में बैठ के हमें सारा ध्यान अपने गुरु की तरफ ही लगाना है, ना कोई फोन देख रहा था आज, ना कोई बातें कर रहा था। तो यही तो भाव गुरुजी को बहुत पसंद आता है आप सबका, तभी तो ब्लेसिंग हमें मिलती है कि हम अपनी जो गुरबानी को सुन के अपने मन की मैल को साफ करते हैं, रूह को पवित्र करते हैं हम। आप देखो जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं, कोई भी हम सत्संग सुनते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी अच्छी बात सुनते हैं, तो हमारी रूह धीरे धीरे साफ होती है, निर्मल होती रहती है। और अगर हम कोई यही बुरे व्यसनों में पड़े रहेंगे, रोज कोई दारू पी के बैठा रहेगा, किसी के घर में रोज लड़ाई हो रही है, वो जुआरी है या वो झगड़ा कर रहा है, जाके मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो कहाँ से साफ होगा? वो तो गंदा का गंदा ही है, वो ऊपर से भी गंदा है, अंदर से भी उसका मन मैला है, क्योंकि उसने कभी सत्संग ही नहीं किया, वो उसने कभी नाम ही नहीं जपा भगवान का, प्रभु का। उसके घर में कुछ ऐसी चीजें होती ही नहीं है, आज बंद हो गई है घरों में ये सब चीजें। तभी तो गुरुजी आज हर घर में विराजमान हो चुके हैं कि गुरुजी आते हैं और देखो पूरा घर एकदम खिल जाता है, महक जाता है। कितनी तैयारियां शुरू कर देते हैं हम कि किसके लिए करते हैं, गुरुजी आएंगे और संगत जी आएंगे। तो जब गुरुजी के साथ गुरुजी अपनी संगत को स्वयं लेके आते हैं और जब संगत आती है तो बहुत ही एक प्यारा एक वातावरण बन जाता है, एक ऑरा सा बन जाता है, एक बहुत ही प्योर पॉजिटिविटी वाला ऑरा बन जाता है उस घर में, तो वो घर मंदिर बन जाता है। और उस मंदिर तो देखो जो मंदिर है, गुरुद्वारे वो मंदिर ही है, बड़े मंदिर बड़े मंदिर ही है, पर जब हम गुरुजी गद्दी क्यों लगाते हैं कि गुरुजी आएंगे, बैठेंगे, हमें ब्लेस करेंगे, हमारी पुकार सुनेंगे। हमने अभी कितना प्यारा शब्द सुना कि तू ना सुने तो और कौन सुने, गुरु तो बिना मेरी कौन सुने। तो आज गुरुजी हर किसी की सुन रहे हैं, हर किसी की मनोकामना को पूरा भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा ज्यादा कम कुछ भी नहीं देखते, राजा रंक मेड सो ड्राइवर सो बड़े घर के हो जो भी हो, हर एक को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की लिस्ट में कभी भी संगत का नाम ऊपर नीचे ऐसे नहीं होता कि जो गरीब है वो पीछे रहेंगे, अमीर आगे आएंगे। गुरुजी तो कहते हैं कि अमीर तो मेरे घर गाड़ियों में आ जाते हैं, गरीबों के घर तो मैं खुद चल के जाता हूँ, जिनके पास साधन ही नहीं है मेरे बड़े मंदिर में आने के लिए। तो देखो अभी कोविड में गुरुजी ने हर घर में सत्संग कराने शुरू कर दिए, गद्दी लगानी, सत्संग करना। पता नहीं आज क्यों मेरे मन में भाव दिया, मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ हर संडे को अमृत वेला होता है और मैं रोज लाइव चलाती हूँ अमृत वेला, और मंथली सत्संग भी होता है, बहुत सारी संगत आती है। पर कोई एक ऐसी ख्वाहिश थी छोटी सी, होती है हम सबकी होती है ख्वाहिशें, तो गुरुजी पूरी कर रहे हैं और मांगे भी तो किनसे, इनसे ही। आज पता नहीं गुरुजी ने भाव दिया कि एक दिन ना तू और तेरे अंकल बैठ के ना अकेले सत्संग करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे तू सबको बुलाती है ना, गद्दी लगा, गद्दी तो लगी हुई है हमारे यहाँ, मतलब पूरा भोग भी बनेगा और पूरा प्रॉपर तरीके से सिर्फ तुम दोनों ही सत्संग करोगे। पता नहीं क्यों दिया, यही जाने मालिक क्यों ऐसा भाव सत्संग बैठे दिया। तो मैं जरूर करूंगी, गुरुजी को मैंने बोला हाँ जैसे आप चाहते हो। कभी कभी गुरुजी ये भी लीला रचते हैं, ऐसी सेवा भी लेते हैं कि संगत के बिना दुनियादारी से कट के, दुनियादारी तो संगत आएगी तो अच्छा ही लगता है, मैं तो धन्य हो जाती हूँ हमारे घर जब इतनी संगत के चरण पड़ते हैं। पर पता नहीं इनका क्या विचार होगा जो इन्होंने मन में ये भाव डाल दिया। और एक आंटी हैं हमारी जानकार है, वो हर साल अपने घर में सत्संग करती हैं, बहुत बड़े घर में रहती हैं, बहुत ही लाविश घर में रहती हैं वो,
महल जैसा उनका घर है, 5 उनके घर में नौकर चाकर हैं और एक बेटा और हस्बैंड है, और हस्बैंड और बेटा चल जाते हैं और वो आंटी सिर्फ बुलाती हैं मुझे कि आंटी सिर्फ आप और मैं बैठ के सत्संग करेंगे, मैं किसी संगत को नहीं बुलाऊंगी। या हमारे 2 सेवादार उड़ जाते हैं और उनके सर्वेंट सारे बैठे होते हैं। ये भी देखो गुरु जी का ब्लेस करने का अपना तरीका है, किसको बुलाना चाहते हैं, मालिक की मर्जी, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आप ऐसे ही सबको सेवा बख्शते रहो। क्योंकि देखो संगत जी, सत्संग को सुनने की भी सेवा होती है। आप ये ना कभी सोचा करो कि मैं सेवा में नहीं खड़ा, वो क्यों खड़ा है सेवादार बन के। आपको बहुत बड़ी सेवा दी हुई है क्योंकि आप 2 घंटे से लगातार ऐसे बैठे हो अपने आप को एकदम टिच होके, जैसे बच्चा स्कूल में बैठता है ना, हिलता भी नहीं है, टीचर देखेगी उसको, गुरु जी देख रहे हैं नजर। अब आंटी को देखो आज बिल्कुल ही नहीं उठाया, एक बार भी नहीं, भोग भी नहीं इनसे लगवाया, इन्हीं से लगवाया। तो कर्म कटते हैं हमारे, ऐसे में भी हमारे बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। घुटने ऐसे जोड़ के बैठना, कई लोगों के घुटने नहीं चलते, कहीं कमर नहीं चलती है, फिर भी गुरु जी बिठाते हैं। मैं देख रही थी वहाँ पीछे बैठ के, आज मैं टेक लगा के बैठी थी क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कभी टेक नहीं लगाती, और मैं इनको देख रही थी, मैंने कहा ये बिना टेक के कैसे आज गुरु जी ने सबको बिठाया हुआ है। कुछ ठीक कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, बैक पेन ठीक कर देते हैं और आपके सर्वाइकल ठीक कर देते हैं। जो सर्वाइकल वाले हैं वो कभी भी बैठ नहीं सकते हैं, सीधे उनकी गर्दन अकड़ जाती है, पर गुरु जी बिठाते हैं और आपको ठीक करते हैं। ये उनका तरीका है सही करने का, हम नहीं समझ सकते ना, हमें जानना भी नहीं है। लंगर प्रसाद खिलाएंगे अभी आपको उससे, और अभी हम जब लंगर प्रसाद करेंगे तो